हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। आज 12 दिसंबर 2022 को मैं गंगा मैया के आपको ताजा दृश्य दिखाने के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूं। तो देख सकते हैं गाइस, सामने गंगा मैया और कितना सुंदर साफ पानी यहां पर गंगा मैया में है। गंगा जल नहीं, अमृत जल आप इसे कह सकते हैं। गाइस कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। हे गाइस, आई एम नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल रिची एंड मॉम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। गाइस तो आज मैं आई हूँ हर की पैड़ी हरिद्वार। तो आज आपको ताजा दृश्य दिखाते हैं यहाँ के, कितनी भीड़ है। 12 दिसंबर 2022 का ये दिन है और यहाँ लगी हुई है बहुत भीड़। गाइस हरिद्वार में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है लेकिन धूप भी बहुत ज्यादा है, ये देखिए। तो चलिए गाइस चलते हैं हर की पैड़ी। देखिए गाइस, बहुत साफ सुंदर जल की धारा यहाँ हर की पैड़ी पर है। मैं ऊपर वहां से आई थी और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हर की पैड़ी के पास। ब्रह्म कुंड के दर्शन में आपको कराऊंगी, तो पहले हम यहाँ से ऊपर से आपको दिखाते हैं ब्रह्म कुंड के साइड। ये देखिए गाइस, ठंड के मौसम में भी यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। देखिए गाइस, दूर दूर से लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में हरिद्वार हर की पैड़ी पे गंगा स्नान के लिए आते हैं। चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हर की पैड़ी। देखिए गाइस, ये है महिला घाट, केवल महिलाएं यहाँ स्नान करने जाती हैं। और ये है ब्रह्म कुंड, सभी लोग यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। इतनी अच्छी रौनक यहाँ पे लगी हुई है। देखिए गाइस कितना साफ सुंदर पानी, ट्रांसपेरेंट कलर का पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर की पैड़ी पर। हर की पैड़ी पे गंगा धारा नहीं, यहाँ अमृत धारा बह रही है। गंगा जल भरते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए हर की पैड़ी हरिद्वार। देखिए पूजा के लिए फूल यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर पंडित जी द्वारा पूजा करवाई जा रही है। गाइस अलग अलग कार्यों के लिए लोग हरिद्वार आते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हरिद्वार आना, लोग हर की पैड़ी में स्नान करना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस, अभी अगर आप लोग हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर हो रखा है और बहुत साफ सुथरा जल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो गाइस हरिद्वार जरूर आएं। सोमवार का ये दिन है और
गाइस देखिए सोमवार के दिन भी यहाँ इतनी भीड़ है और शनिवार और रविवार को तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए गाइस कितना साफ पानी है, चैन आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी गंगा जी के अंदर। तो देखिए गाइस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी यहाँ पर है, नीले रंग का हरे रंग का साफ, बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल साफ गंगा है। गाइस आप लोगों को गंगा मैया के दर्शन कराने के लिए यहाँ मैं वीडियो बनाने के लिए आती हूँ, तो गाइस अपना सपोर्ट पूरा करें और वीडियो को ज़रूर पूरा से देखें, और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस आपको बढ़ते हैं, देखिए गाइस यहाँ गौदान हो रहा है और गाय की पूजा की जा रही है। तो चलिए गाइस थोड़ा गाय को प्यार कर लिया जाए, आशीर्वाद ले लिया जाए गौ माता का। देखिए गाइस प्रसिद्ध शिव मूर्ति और माता की मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है ये। गाइस हरिद्वार में हर की पैड़ी आने का अपना ही एक अलग आनंद है, यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है, गंगा मैया की तरह मन भी शीतल हो जाता है। श्रद्धा की जो भीड़ यहाँ दिखाई देती है गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लोग दूर दूर से यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब आपको दूसरी छोर की ओर ले जाते हैं हर की पैड़ी की, यहाँ पर स्लिप करती है माँ गंगे की सेवा के लिए, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ ऊपर से कितना सुंदर दृश्य दिखता है, दोनों साइड के आप घाट देख सकते हैं। देखिए गाइस जल की धारा पेड़ से बिल्कुल सामने का घाट है। गाइस अब हम ये ब्रह्मकुंड के सामने वाली जो साइड है उस साइड आ गए हैं। गाइस ब्रह्मकुंड में तो जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप जूते लेके आ सकते हैं, बस ये है कि जब भी आप गंगा मैया पे स्नान करें तो अपने जूते चप्पल जरूर उतारें। गंगा स्नान के बाद सूरज को अर्घ देते हुए लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए गाइस चलिए गाइस आपको अब दूसरी साइड लेके जाते हैं, हर की पैड़ी पे हर जगह बहुत भीड़ होती है। गाइस ये आप सामने देख सकते हैं केबल तार वाला पुल है, बहुत फेमस हरिद्वार का हाईवे ब्रिज है ये, और जल की किनारा देखिए आप इतनी साफ सुंदर दिखाई दे रही है। Thank you.
ताज़ा दृश्य है ये यहाँ के हरिद्वार हल्की पैड़ी के। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऊपर की साइड से दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस सामने मनसा माता का मंदिर पहाड़ी पे बहुत सुंदर दिखाई देता हुआ और नीचे गंगा मैया, तो ये अद्भुत दृश्य है यहाँ के। गाइस देखिए ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, गंगा जल, गंगा की धारा। तो गाइस आज मैंने आपको पूरी हर की पैड़ी के दर्शन कराए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और वीडियोस को एंजॉय करें। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।